हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहली बात तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी में बहुत सारे लोगों का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था जो कि प्री 2018 में 28 अक्टूबर को था, और उस एग्ज़ाम से पहले मैं 10-15 दिन पहले से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता था कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम में था। बट अभी मैंने ना क्या किया, मैं तो अभी भी घर पर हूँ, बट मुझे लगा यार कि क्या होता है ना कि जब मैं अपने सेंटर पे रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से मैं क्लास वगैरह बाकायदे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन घर आने के बाद ये शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से मैंने दोस्तों आज घर पे भी अपना एक सेंटर बना लिया, ठीक है, और इस वजह से ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभार घर आना पड़ता है कोई काम से, तो फिर ऐसे में क्या होता है, टाइम तो निकाला जा सकता है बट सेटअप ना रहने की वजह से ना बड़ी दिक्कत होती थी। तो अभी वो सेटअप एक दिन और लगेगा बनाने में, ठीक है, आज और कल के अंदर ये सेटअप रेडी हो जाएगा। इसके बाद से आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी, मतलब मैं कहीं भी रहूँगा या तो घर रहूँगा या तो सेंटर पर रहूँगा, तो दोनों जगह में से किसी भी जगह रहूँगा तो आपका क्लास बंक नहीं होगा, ठीक है, चलता रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। आइए, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो है, बट अभी मैं थोड़ा ही क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये स्पेशली आगे आने वाले जो भी आपके वनडे एग्जाम है ना, उसको ध्यान में रखकर ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को भी लगेगा सर बहुत सारी सीरीज शुरू करते हैं बट बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान से समझिएगा, और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो तमिलनाडु है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, याद है ना, यक्षगान का नाटक का है, मोहिनीअट्टम कथकली आपके केरल का है, पढ़ाया गया ना, तो वही बता रहा है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसे एक व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो वो आपको बताना है, ये देखिए यहाँ पर क्या कहना है ना आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो याद रखिए यहाँ बीच में क्या फील होने वाला, कर्नाटक संगीत, ठीक है, कर्नाटक एक तरह की संगीत है, एक तरह की विधा है जिसके माध्यम से वहाँ पर एक व्यक्ति उस चीज़ को प्रस्तुति करता है, भरतनाट्यम को, ठीक है। तो संगीत का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत ही, ठीक है। आगे है, भरतनाट्यम के तीन प्रमुख घराना कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका तंजौर घराना है, कांचीपुरम घराना है, एक पंडलनूर घराना है, जिस तरह से हमारे यहाँ बनारस घराना है, आगरा घराना है, लखनऊ घराना है, उस तरह से भरतनाट्यम के भी तीन घराने हैं। कौन कौन से हैं, तंजौर है, कांचीपुरम है और पंडनलूर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना कि आप यूपीपीएससी का एग्जाम देखें तो आपको पता चल गया होगा कि स्टडी 91 चैनल से कितने सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, अगर जो रेगुलर कैंडिडेट हैं हमारे, ठीक है, मतलब रेगुलर जो पढ़ाई करते हैं ऐसे बच्चे, उनको बड़ा मजा आया होगा पढ़ने के बाद। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप डीप स्टडी करो, आगे भी यही कहूंगा। अगला दे रहा है कि कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति किस के प्रमुख कलाकार हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए बताइए, फटाक से बताइए, कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति तो यार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भरतनाट्यम करती हैं, ठीक है, भरतनाट्यम करती हैं, बहुत मतलब कि दमदार कलाकार हैं, जितना कहा जाए इनके बारे में उतना कम है। यामिनी कृष्णमूर्ति नाम एकदम आपके जबान पे होना चाहिए, कभी भी भरतनाट्यम अगर आपके जबान पे आ रहा है तो कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन दोनों लोग का नाम आपके पास याद होना चाहिए। अगला है कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का है, बताई दिया आपको। अच्छा, कथकली के अलावा एक और केरल का है, कौन सा है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, वो भी आपका केरल का है, बोलो सही है कि गलत, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, कथकली की गीतों की भाषा क्या है, तो जाहिर सी बात है यार केरल की बात कर रहा है तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम भाषा है, केरल की भाषा क्या है, मलयालम है, ठीक है, तो कथकली की गीतों की भाषा क्या हो जाएगी, ये भी मलयालम हो जाएगा, ठीक है। आगे है, हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी, वो भी हिंदी गीतों पर। देखिए बात कर रहा है कथकली का, कहीं कहीं आपको कथक भी दे देता है, तो कथक और कथकली में बहुत अंतर है। देखिए कथक जो है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली जो है ये आपके केरल का है। तो कह रहा है हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत किया गया कब, तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था, पहली बार कथकली हिंदी गीतों पर कब प्रस्तुत किया गया, 1968 में।
आगे है कथकली मंच पर कैसे वस्त्रों का प्रयोग होता है। तो याद रखिए कथकली का जो मंच होता है इस पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कैसे दोस्तों? ब्लैक, ठीक है, काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। अगला है कथक जो है किसका प्रमुख शासकीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत में है और खासकर उत्तर प्रदेश का। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रमुख शासकीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। पहले आपको बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। सब याद रखिए। आगे है बल्ल तोल नारायण मेनन आनंद शिवरामन माधवन कृष्ण कुट्टी, ये सब किसके प्रमुख कलाकार हैं? तो ये सब कथकली करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति थी ना, वो आपके भरतनाट्यम की थी, उसी तरह से कथकली के लोग फेमस लोग हैं, ठीक है। मेनन आनंद शिवरामन माधवन कृष्णन कुट्टी, ठीक है, लोग कथकली केरल वाले के, ठीक है। आगे है उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला शैली कौन सी है, तो उड़ीसा में नॉर्मल है उड़ीसी, ठीक है, ये तो आप जान ही जाओगे, ठीक है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः कैसा है, तो यह आराधना का नृत्य है। कैसा नृत्य है? यह आराधना का नृत्य कहा जाता है ओडिसी नृत्य को। आगे है सोनल मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति थी ना, वैसे ओडिसी कलाकार हैं, ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं सोनल मान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी केलूचरण महापात्रा और कालीचरण पटनायक, ये लोग भी, इनका नाम किस में आता है? ओडिसी नृत्य कलाकारों में। आगे है मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल से संबंधित था, पहले बता चुका। कर्नाटक का कौन सा है, तो यक्षगान है, ठीक है। यक्षगान में किसका संगम होता है, तो याद रखिए यक्षगान जो है दोस्तों, यहाँ पर नृत्य और गान दोनों का संगम होता है, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है यक्षगान में। आगे है यात्रा किसका लोक नाट्य है, यात्रा, ये अपने आप में थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए है। तो यात्रा जो है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का जो है लोक नाट्य है, यात्रा, क्या नाम है? यात्रा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया एक महान बांसुरी वादक है। देखिए कहीं भी अगर आपको कृष्ण जैसा नाम मिल जाए, हरि कृष्ण, ठीक है, तो आप याद रखिए बांसुरी उनको टिक करिएगा, ज़्यादातर ये सही होता है। तो बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं भाई? संतूर बजाते हैं, ठीक है। इनका संबंध किससे है? संतूर से है, संतूर, शिव कुमार शर्मा, ठीक है। आगे अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिए अजंता की जो गुफाएं थी इसको बनवाया था गुप्त शासकों ने, ठीक है, और एलोरा की जो गुफाएं हैं इनको बनवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। लेकिन सिंपली हमसे पूछा कि गुफाएं हैं कहाँ पर, तो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, ठीक है, नासिक के पास पड़ता है, याद रखिएगा। आगे है नागर शैली प्रचलित है, नागर शैली कहाँ पर है, तो बेसर शैली, नागर शैली का नाम सुना होगा आपने, द्रविड़ शैली, ठीक है। तो जो नागर शैली है दोस्तों, ये उत्तर भारत के हिमालय और विंध्य के जो बीच का क्षेत्र है ना, यहाँ पर प्रचलित है। हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्रों में नागर शैली जो है प्रचलित है, और विंध्य के नीचे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है द्रविड़ शैली मिलेगी। आगे भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर राजधानी भाई, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। तो कह रहे भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किसका उदाहरण, तो ये नागर शैली का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? नागर शैली का। हालांकि अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो विंध्य से नीचे पड़ेगा, बट ये भी आपके नागर शैली का ही उदाहरण है। आगे क्या है दोस्तों, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर तो बहुत फेमस मंदिर है, मतलब जितना कहा जाए कम है, ठीक है। कांचीपुरम, एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सब जो है दक्षिण भारतीय मंदिर है, और इनको बनाया गया द्रविड़ शैली में, किसमें? द्रविड़ शैली में। करा बेसर शैली मुख्य रूप से चालुक्यों के काल में कर्नाटक में विकसित हुई, अतएव इसे क्या कहा जाता है? इसे चालुक्य या कर्नाटक शैली का नाम भी दिया जाता है। तो याद रखिए जो बेसर शैली है द्रविड़ में, एक द्रविड़ शैली चलती है, एक बेसर चलती है, तो बेसर शैली को स्पेशली चालुक्य शैली भी बोलते हैं और कर्नाटक शैली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले कर्नाटक में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको कर्नाटक शैली बोल सकते हैं। और किसने चालू किया? तो चालुक्यों ने चालू किया था, इस वजह से इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर, ये सब किसके उदाहरण देखने को मिलते हैं? तो ये भी जो है बेसर की उदाहरण है, किसके उदाहरण है? बेसर, बेसर शैली के ही उदाहरण है, ठीक है। कौन? कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर। आगे उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, बहुत पूछता है एग्जाम में, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर, ठीक है। तो कह रहा है लिंगराज मंदिर ये स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। आप YouTube पर देख सकते हैं, या अगर आप कभी जाएं वहाँ पर तो इस मंदिर को जरूर देखें, लिंगराज मंदिर। अगला है दोस्तों, सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना कौन सा है, तो सल्तनत काल का पूछ रहा है। तो सल्तनत काल में जो सबसे पहला नमूना था वो था दिल्ली स्थित कुतुब मीनार, जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है।
ये सबसे पहला था और सबसे अद्भुत है और आज भी है, कुतुब मीनार आप जाके देख सकते हैं दिल्ली में। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ चीज़ें और भी मैं रुकिए आपको देता हूँ, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। पहला यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, अजंता और एलोरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, अजंता बनाया था गुप्त शासकों ने, अजंता जिसको कोई नहीं जानता, और एलोरा रासे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे शांति निकेतन कहाँ स्थित है बताइए। तो शांति निकेतन दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में पड़ता है शांति निकेतन, ठीक है। आगे विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़ दिखा, चित्तौड़ नहीं होता, चित्तौड़ होता है, चित्तौड़गढ़ है दोस्तों राजस्थान में, वहीं पर बनवाया गया है विजय स्तंभ, ठीक है। चार मीनार कहां पर है, तो यह हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, ठीक है। कहां पर है, हैदराबाद में है। हम्पी कहां पर है, बस खाली लोकेशन आपसे पूछता है, हम्पी कहां पर है, कर्नाटक में है। अच्छा, यह भी बताना पड़ेगा कि कौन कहां कौन किसने बनाया था, ठीक है। चलो जैसे हम्पी की बात करो तो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था यहां पर, हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, कितने में, 1336 में। आगे चिल्का झील कहां पर स्थित है, तो खारे पानी की झील है, एक लैगून झील मानी जाती है, और ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में है चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। आगे देखिए एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंटा की गुफाएं बहुत फेमस हैं और ये मुंबई में है। और कभी अगर आप मुंबई जाते हो तो ताज होटल का नाम सुना होगा, ताज होटल जहाँ इंडिया गेट है, वहीं से आप 10 रुपये 20 रुपये जो है किराया लगता है और वहाँ से आप एलिफेंटा जा सकते हो, बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, तो एलिफेंटा। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है और यहीं से तो जहाज़ मिलती है पानी वाली, ठीक है, जो आपको एलिफेंटा लेके जाती है, ये याद रखिए, ठीक है। एलिफेंटा एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है, एक गुफा मंदिर है, और ये चीज़ याद रखिए। बाकी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ पर है, तो वो आपकी दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो जामा मस्जिद दोस्तों आपके दिल्ली में, हालांकि कई जगह जामा मस्जिद के नाम से मिलती मस्जिद है, जामा जामी, लेकिन जामा जो मेन वाली है वो दिल्ली में है। आगे डल झील कहाँ पर है, तो डल झील एक खूबसूरत झील है, श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद बोटिंग करने का लोगों को बड़ा शौक होता है। डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में। आगे निशात, निशात नहीं दोस्तों निशांत है, निशांत बाग कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है निशांत बाग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। कहाँ पर भाई, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। आगे बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा, और अकबर जब गुजरात विजय करके आता है तो उस दौरान उसने बनाया था बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ आपके वाराणसी में स्थित है, और सारनाथ में ही सबसे पहले जो है गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों का, हालांकि उस समय इसका नाम सारनाथ नहीं था, उस समय इसका नाम ऋषिपत्तनम था। क्या था, ऋषिपत्तनम। महाबलीपुरम का कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम का निर्माण, मंदिरों का निर्माण जो पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया है, और यह जो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर है, चेन्नई में। आगे है हेलिडी कहाँ पर स्थित है, हेलिडी, तो याद रखिए हेलिडी जो है दोस्तों ये बेलूर है, बेलूर एक मठ भी है, ठीक है, तो बेलूर कर्नाटक में स्थित है हेलिडी। आगे सांची का स्तूप कहाँ पर, देखो जो ऊपर दिया था आपका सारनाथ ना, वहाँ पर भी एक स्तूप है, धमेक स्तूप, क्या नाम उसका, धमेक। और जो सांची का स्तूप है दोस्तों ये आपके भोपाल नहीं यार, रायसेन जिला अलग से है, ठीक है, तो ये गलत है, आप सांची के स्तूप सीधे सीधे बोलो ना, एमपी में है, ठीक है, ऐसे करके याद रखो। आगे लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास है। आगे सूर्य मंदिर जिसको आप काला पगोड़ा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कोणार्क यानी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, कोणार्क कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में ही पड़ता है, और सूर्य मंदिर भी इसको बोला जाता है। आगे दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, दक्षिणेश्वर, ठीक है, तो ये आपके कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, दक्षिणेश्वर, ठीक है, दक्षिणेश्वर वहाँ फेमस बोला जाता है, वहाँ की लोकल बोली में दक्षिणेश्वर बोला जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर सभी लोग वाकिफ भी होंगे, ठीक है, गजनवी का आक्रमण यहाँ पर हुआ था, तो याद रखिए सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में है। आगे है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा में स्थित है दोस्तों कैलाश मंदिर, कौन सा, एलोरा में, कौन सा, कैलाश मंदिर, किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है और ये नासिक में है, और इसी ज्योतिर्लिंग के पास से जो है गोदावरी नदी निकलती है, तो काफ़ी उसकी पुण्य कथाएं भी हैं, आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो, तो नासिक याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। आगे महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाबलेश्वर मंदिर, तो ये है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आ जाए एग्जाम में तो गलती होगा, क्योंकि लोगों को तमिलनाडु आंध्र यही सब नज़र आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि महाबलेश्वर मंदिर जो है ये आपके महाराष्ट्र में है। आगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके माउंट आबू में है, माउंट आबू जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर भी इसको कहा जाता है, तो वहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आगे ब्रह्मा जी का
मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर में राजस्थान में। हालांकि जिस समय पढ़ाता हूँ उसमें दो तीन कमेंट आ जाता है सर हमारे यहाँ भी है, तो लगभग पूरे भारत में 3 ब्रह्मा जी का मंदिर खोजा जा चुका है। तो पहला याद रखिएगा सबसे मेन जो आपका पुष्कर है, वहाँ पर पुष्कर झील भी है। आगे होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जाहिर बात इसको बनवाया होगा होयसलों ने, ठीक है। तो होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये हेलीबीड कर्नाटक में स्थित है, हेलीबीड कर्नाटक। तट मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु वाला, ये आपका यहाँ पर तट मंदिर इसी को बोला जाता है, तट मंदिर, ठीक है, किनारे पे है ना। आगे है रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो रामेश्वरम जो है ये अलग से एक द्वीप है, पंबन द्वीप वहाँ पर है फिलहाल, लेकिन ओवरऑल ये तमिलनाडु ही इसको लेके चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मदुरई, ठीक है, मदुरई भी तमिलनाडु का हिस्सा है, तो मीनाक्षी मंदिर वहाँ पर है। आगे बृहदेश्वर, बृहदेश्वर नहीं होता दोस्तों, बृह होता है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तंजावुर में है, ठीक है, राजा राम प्रथम के द्वारा बनाया गया था बृहदेश्वर मंदिर, यहीं पर जो है नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई है। तो बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु। और नटराज मंदिर कहाँ पर है, तो चिदंबरम एक जगह है, ठीक है, तमिलनाडु में, वहाँ पर नटराज मंदिर है। नटराज जानते हैं ना, अरे जिसके सामने खड़े होकर यार भरतनाट्यम किया जाता है, इस तरह पैर नहीं खड़ा होते, ठीक है, तो भरतनाट्यम किया जाता है नटराज। आगे देखिए वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तिरुपति जिसको बोलते हो, ठीक है, वहीं पर है वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। आगे स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है, ठीक है। आगे है अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर कश्मीर माना जाता है फिलहाल इसका, हालांकि ये दोनों न करके आप सीधे याद रखो कि वो तिब्बत में पड़ता है स्पेशली। आगे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये पुरी में पड़ता है, ठीक है, जगन्नाथ पुरी जिसको बोलते हैं, पुरी एक धाम भी हमारा माना जाता है, उड़ीसा में है, ओके, और यहीं से रथ यात्रा यहीं की फेमस है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी, और स्पेशली अगर बात करोगे तो कश्मीर में नहीं है, सीधा सीधा बात करोगे तो जम्मू में है, जम्मू के कटरा नामक जगह पर है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में स्थित है ढाई दिन का झोपड़ा, और बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो है दोस्तों छतरपुर, छतरपुर एक जगह पड़ता है, दिल्ली में भी छतरपुर है, उस वाले छतरपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में छतरपुर है, वहाँ पर खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, इसको सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु चेन्नई में है कांचीपुरम। विलियम फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है विलियम फोर्ट। और आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन कि झूलता मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके है अहमदाबाद में, इसके अलावा तीन दरवाजा भी इधर ही है ना अहमदाबादी, तो ये सब याद रखिएगा, झूलता मीनार कहाँ पर है, अहमदाबाद। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे लेकिन फिर भी करीब 50-60 क्वेश्चन हो गए हैं। कल से फिर से हम स्पीड मेंटेन करेंगे, कल के आज शेड्यूल बना रहा हूँ, एक दो दिन लगेगा शेड्यूल बनाने में, ठीक है, और फिर से उसी तरह से मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू कर दूँगा, तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब बैग आ चुका हूँ, ठीक है, और आप सभी की दुआएं थी यार कि जो माता जी की अभी तबीयत बहुत पहले से मतलब कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, चोट तो सर में लगा था और क्लाटिंग वगैरह भी बन रहा था, बट वो अभी कंट्रोल में है पूरी तरीके से। तो ये आप सभी का प्यार था, दुलार था, ठीक है, आप सबकी दुआएं थी, इसीलिए दोस्तों कभी क्या होता है ना कि बड़ा मन लगता है आप लोगों में, ठीक है, मतलब पढ़ाने में भी मन लगता है और बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे लगता है ना कि मेरा पूरा परिवार है, लोग इतना फिक्र करते हैं, मतलब एहसास ही नहीं होता कि आप हमसे दूर हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब बहुत कम ही लोग हैं, गिने चुने 10-20 लोग होंगे जिनसे मैं मिला हुआ हूँ, बाकी मैंने किसी से मिला नहीं, लेकिन मतलब ऐसा फील होता है ना कि आप मेरे एकदम करीब हो, मेरे एकदम पास हो, इतना नज़दीकी हो गया हमारे आप में। तो बस यही कोशिश करिएगा दोस्तों कि अच्छे से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से, कभी भी अगर मैं पढ़ाना बंद करता हूँ तो आप लोग अपनी पढ़ाई मत बंद किया करिए, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आइए, चीज़ों को रिवाइज किया करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।